नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सिर से लेके पैर तक अनगिनत बीमारियों में जादुई रिजल्ट देने वाली एक बेहतरीन औषधि के बारे में जानेंगे। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधी ऐसा फूड भी है। इसका नाम है गुलकंद। तो गुलकंद में दो ही मेन इन्ग्रेडियंट्स है, एक है देसी गुलाब की पंखुड़ी और दूसरा है मिश्री यानी जो रॉक शुगर है। अब देखिए, जो गुलाब है इसको संस्कृत में तरुणी कहा जाता है। गुलाब के बहुत सारे फायदे आयुर्वेद की संहिताओं में दिए हुए हैं। अब ये जो गुलकंद है ये प्रवाल युक्त भी मिलता है, जिसमें प्रवाल पिष्टी का प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम गुलकंद के सबसे बड़े ऐसे 10 फायदे देखेंगे, इसकी मात्रा, सही सेवन विधि, आपने क्या प्रिकॉशन लेनी है, घर पे आप इसे कैसे बना सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। जिनके शरीर में वात बढ़ने के कारण रूखापन है, आंतों में रूखापन है और पित्त बढ़ने के कारण शरीर में ये गर्मी भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को कब्ज होने की समस्या भी आमतौर पर दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों के लिए गुलकंद एक अच्छी औषधि है, क्योंकि ये शरीर में वात और पित्त इन दोनों को कम करता है। और जब कब्ज हो जाता है और फिर उसी के साथ इन लोगों को जैसे ब्लीडिंग पाइल्स है, फिशर की समस्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होना है, तो ये तकलीफें भी कम होती है। अब देखिए, जो गुलकंद है ये मृदु विरेचक है, यानी ये माइल्ड लैक्सेटिव है, अनुलोमन करता है, मल को आराम से सुखपूर्वक ये शरीर से बाहर निकालता है। सेवन आपने कैसे करना है, तो रात को सोने के पहले लगभग आधा से एक कप दूध, इसको आप गर्म करके ठंडा किया हुआ दूध ले सकते हैं या तो हल्का सा गुनगुना दूध भी ले सकते हैं। इसमें आपने 1 से 2 चम्मच गुलकंद डालना है और थोड़ा सा इसमें घी डालना है, यानी आधा से एक चम्मच घी आप इसमें डाल के सोने के पहले अगर लेते हैं तो दूसरे दिन पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। जो गुलाब है इसके बारे में कहा गया है कि अगर आप इसे कम क्वांटिटी में लेते हैं तो इसे ग्राही कहा गया है, यानी रोकने वाला है। तो किसी को लूज मोशन वगैरह है तो बहुत कम क्वांटिटी में लेने से वो रोकता है, लेकिन अगर आप उसको ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो वो अनुलोमन करता है या माइल्ड लैक्सेटिव जैसे काम करता है। गुलकंद में जो गुलाब है, तो गुलाब की तासीर ठंडी है, ये शीतवीर्य है, शरीर में स्निग्धता देता है, वात और पित्त इन दोषों को कम करता है। और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है यानी मिश्री, तो वो भी बहुत अच्छे से ठंडक देता है। गर्मी के दिनों में यानी ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु, यानी अप्रैल मई महीना और सितंबर अक्टूबर का जो महीना है, तो इन दोनों समय पे आप इसका सेवन जरूर करें, क्योंकि इस समय पे जो वेदर है वो गर्म है, शरीर में बहुत ज़्यादा जलन, गर्मी, पसीना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। किसी किसी को तो नाक से खून आना यानी जो इपिस्टैक्सिस है, ये तकलीफ भी होती है। तो इन सभी तकलीफों को ये जो गुलकंद है ये कम करता है। इसका सेवन आपने कैसे करना है, तो प्रिफरेबली पित्त काल में 10 से 2 बजे का जो समय है, इस समय पे आप इसे ज़रूर खाएं। कितना खाएं, तो 1 से 2 चम्मच आप इसे लें, मैक्सिमम यानी 10 से लेके 15 ग्राम आप ले सकते हैं। या दूसरा जो ऑप्शन है कि आपके खाना खाने के पहले आप इसे ले सकते हैं, खाने के आधा या 1 घंटा पहले आप इसे ले, तो ये शरीर में पित्त को बहुत अच्छे से कम करता है। जिन लोगों के शरीर में रूखापन ज़्यादा है और ठंडी के मौसम में जैसे बारिश में या फिर विंटर में भी उनको ये रूखापन बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो उस समय पर भी गुलकंद का सेवन कर सके, क्योंकि ये भी शरीर में स्निग्धता देता है। जिन लोगों की पित्त की प्रकृति है या शरीर में पित्त बढ़ जाने के कारण जिनको कोई समस्या, कोई बीमारी है, जैसे कि शरीर में पित्त का ये उष्ण तीक्ष्ण गुण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो गैस्ट्राइटिस की समस्या है, मुंह में छाले आना, एसिडिटी रहना, पेट में जलन, सीने में जलन, यूरिन में जलन या फिर पैरों के तलवों में जलन होना, यहाँ तक कि ऐसे लोग जिनको एसिडिटी हमेशा रहती है, एसिडिटी के लिए कोई भी औषधि, कोई दवा लेनी पड़ती है, तो ऐसे सारे लोग गुलकंद का सेवन ज़रूर करें। यहाँ तक कि आयुर्वेद में जो भी पित्त शमन करने वाली औषधियाँ है उसके साथ अनुपान के तौर पर गुलकंद का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जैसे चूर्ण या कोई टैबलेट है उसको गुलकंद के साथ लेने के लिए बताया जाता है, ताकि आपको उस औषधि का और अच्छा रिजल्ट मिल सके। अब गुलकंद का सेवन अपने पित्त शमन के लिए कैसे करना है, तो आपके खाना खाने के पहले आप इसे लें या तो खाली पेट आप इसे ले सकते हैं। अगर आप खाली पेट ले रहे हैं तो और अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप इसको दूध के साथ भी मिला के ले सकते हैं, तो लगभग 1 से 2 चम्मच गुलकंद दूध में मिला के ले, या फिर ऐसे भी आप खा सकते हैं। जिनको मुंह में छाले हैं वो लोग गुलकंद में थोड़ा सा शहद मिला के उन्होंने मुंह में रखना है, उसको अच्छे से पूरे मुँह में आप लगने दें, ताकि जो छाले बने हुए हैं, घाव हुआ है, वो आराम से हील हो सके। अब देखिए, जो गुलाब है तो इसे शोणित स्थापक कहा हुआ है, इसीलिए जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय बहुत ज़्यादा फ्लो रहता है यानी स्राव बहुत ज़्यादा जाता है, उसके कारण उनको हीमोग्लोबिन कम हो जाना, थकान रहना, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी, कमजोरी रहना,
वजन कम होना, ये सारी समस्याओं के लिए वो गुलकंद का सेवन कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी आप इसे ले सकते हैं। तो गर्भ का अच्छे से पोषण करने के लिए ये बहुत फायदा करता है, खास करके जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स है, उस समय पे मॉर्निंग सिकनेस है, बहुत ज़्यादा जी मचलाना, वॉमिटिंग सेंसेशन रहना, इसको भी ये कम करेगा। लैक्टेशन फेज में यानी डिलीवरी के बाद भी उस माता की थकान को कम करने के लिए, एक नरिशिंग के लिए भी गुलकंद का सेवन आप कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है, खास करके जिन बच्चों को कब्ज रहता है यानी पेट ठीक से साफ नहीं होता, आंतों में रुखापन रहता है या शरीर में वैसे भी बहुत ज़्यादा रुखापन है, वजन जिनका कम है या इरिटेशन बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे कि बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है या फिर इमोशनली इंस्टेबिलिटी है, तो ऐसे सारे बच्चों को आप इसे दे सकते हैं। खास करके वो बच्चे जिनको गर्मी के दिनों में नाक से हमेशा खून आता है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। कैसे दे, तो बच्चे सिर्फ ऐसा ही गुलकंद खाना भी पसंद करते हैं, या तो फिर आप उन्हें दूध में मिला के भी दे सकते हैं। रात को भी गुलकंद, दूध और घी का सेवन अगर वो करते हैं तो उनका जो कब्ज की जो तकलीफ है तो वो भी बहुत अच्छे से कम हो जाती है। जिन लोगों को इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती, शरीर में बहुत ज़्यादा रात को गर्मी लगती है और फिर उसके कारण भी नींद डिस्टर्ब रहती है, तो वो लोग भी गुलकंद का सेवन ज़रूर करें। और आप गुलकंद के साथ साथ ही जो पादाभ्यंग है यानी पैरों के तलवों में घी से मालिश करना, अगर आपके पास कांसे की कटोरी है तो उससे आप कर सकते हैं या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। इसी के साथ गाय के घी का नस्य करना यानी गाय का घी 1 से 2 बूंद नाक में डालना, ये सारे अगर उपाय करते हैं तो आपकी ये जो नींद की समस्या है वो भी कम होगी। हार्ट हेल्थ के लिए भी गुलकंद एक बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए, गुलाब के बारे में कहा गया है कि इसका जो प्रभाव है वो रुद्ध है, यहाँ तक कि ये मेध्य है यानी दिमाग के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। 100 मनस्य जनन करने वाला, ऐसा इसके बारे में बताया हुआ है, तो हार्ट के लिए ये अच्छा है। इसीलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप इसे ज़रूर ले। ब्लड प्रेशर के साथ साथ ही अगर किसी को बीपी बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा चक्कर आती है या शरीर में ये गर्मी है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्म लगता है, इसी के साथ जिनको पाल्पिटेशन रहता है, बहुत ज़्यादा डर लगना, इस तरह की समस्याओं में भी आप इसका सेवन करें। आपकी जो बीपी की दवाई चल रही है, तो अगर आपकी शरीर में ये बैलेंसिंग आएगा, आप अंदर से अच्छा फील करोगे, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो बीपी है वो भी कम हो जाएगा और ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए भी ये मदद करेगा। गुलकंद नेत्र है यानी आंखों के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। खास करके देखिए, आज के समय में स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, टीवी मोबाइल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आंखों पे जो एक स्ट्रेन आता है, थकान सा रहता है, तो उसको भी ये काम करेगा। और जिन लोगों को धूप में जाने के बाद आंखों में बहुत ज़्यादा जलन या फिर आंखें लाल हो जाना, आंखों से पानी आना, बहुत थकी थकी सी आंखें लगना, तो इन समस्याओं को भी ये काम करेगा। गुलाब का जो संस्कृत नाम है वो है तरुणी, तरुण यानी युवा रखने वाला, तो इस तरह से ये जो गुलकंद है वो स्किन हेल्थ के लिए एक बहुत अच्छी औषधि है। अगर आपको स्किन का ग्लो बढ़ाना है या फिर किसी को अगर पिगमेंटेशन दाग धब्बे है तो उनको ये काम करेगा। इसी के साथ ये दुर्गंध नाशन करता है यानी अगर आपको गर्मी में पसीना ज़्यादा आता है और पसीने के कारण बहुत ज़्यादा स्मेल या दुर्गंधी रहती है तो उसको भी ये काम करता है। अब देखिए, शरीर में जब वात और पित्त दोष बढ़ जाते हैं तो वात बढ़ने के कारण रुखापन रहता है, तो वो रुखापन स्किन में भी दिखाई देता है, और जो पित्त बढ़ जाता है तब स्किन में भी बहुत ज़्यादा रेडनेस रहना या जलन होना, तो इस तरह के लक्षण दिखते हैं। तो गुलकंद इन दोनों लक्षणों को कम करके भी स्किन को अच्छा रखने के लिए मदद करता है। गुलकंद शोणित स्थापन करने वाला, खून को साफ करने वाला, रक्त पित्त विकार में फायदेमंद है। रक्त पित्त यानी शरीर से किसी भी मार्ग के द्वारा खून बाहर जा रहा है यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो उसको कम करता है। जैसे कि गम्स में से अगर खून आता है या नाक से खून आना, ब्लीडिंग पाइल्स है, महिलाओं में रिकरेंट एबॉर्शन की हिस्ट्री है या फिर पीरियड में ज़्यादा खून जाना है, तो इस तरह की सभी तकलीफों को ये कम करता है, यहाँ तक कि खून बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। अगर आपको गुलकंद के सारे फायदे चाहिए तो उसका अच्छी क्वालिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आपने गुलकंद को हमेशा घर पे बनाना है। रेडी वाला जो गुलकंद है वो प्रिफरेबली आपने अवॉइड करना है। उसमें भी जो गुलाब की पंखुड़ी आपने यूज़ करनी है वो हमेशा देसी गुलाब आपने यूज़ करना है, क्योंकि काफ़ी बार जैसे हम बाहर से लाते हैं तो केमिकल्स का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपके घर में गमले हैं और उसमें आप जो गुलाब के पौधे हैं वो गुलाब अगर आप यूज़ करते हैं
तो हम पूरी तरह से एश्योर्ड रहते हैं कि ये जो गुलाब है ये सही तरह से हमने यूज किया है। तो इन गुलाब की पंखुड़ियों को अच्छी तरह से पानी से धो के उसको कपड़े पे डाल के अच्छे से सुखा के फिर आपने उसको यूज करना है। अब जो मिश्री है तो मिश्री को भी आपने अच्छे से बारीक करके लेना है। आप दो तरह से ये गुलकंद बना सकते हैं। जो पहली मेथड है इसमें आपने जो गुलाब की पंखुड़ियां है और जो मिश्री का पाउडर है इसको अच्छे से साथ में मिक्स करना है और फिर एक ग्लास की बॉटल में भर के आपने इसे धूप में रखना है। रोज शाम के समय आप इसको फिर से अच्छे से मिक्स आपने करना है। इस मेथड में लगभग 8 से 10 दिन इसे लगते हैं। दूसरी जो मेथड है उसमें आपने एक कांच की बॉटल में एक लेयर गुलाब की पंखुड़ियों की रखनी है और दूसरी लेयर मिश्री के पाउडर की रखनी है। इस तरह से आपने लेयर्स बनानी है और इस बॉटल को फिर से आपने रोज धूप में रखना है। इस मेथड से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, तो 15 से 20 दिन आपने इसे रखना है, तब तक आपका अच्छे से ये गुलकंद तैयार हो जाता है। कुछ लोग इसे गैस पे गरम करके भी बनाते हैं, लेकिन प्रिफरेबली आपने इस तरह से नहीं बनाना है, तो नेचुरली धूप में आपने ये इसे बनाना है ताकि इसके और अच्छे से रिजल्ट आपको मिल सके। अगर आपको घर पे गुलकंद बनाना पॉसिबल नहीं है तो किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक कंपनी का गुलकंद आप ले सकते हैं। इसमें भी अगर आपको पित्त की समस्या बहुत ज्यादा है, पित्त का यह तीक्ष्ण उष्ण गुण बढ़ा हुआ है, तो उसमें जो प्रवाह युक्त गुलकंद है उसका सेवन आप कर सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज है और जिनकी ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है उन्होंने गुलकंद खाना अवॉइड करना है। हाँ, अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में है, आप बाकी सारा परहेज करते हैं, तो अगर आप कभी कभार इसे खाते हैं तो चल सकता है। यहाँ तक कि किसी को अगर वेट गेन की टेंडेंसी है, ओबेसिटी है, जिनकी कफ की प्रकृति है, शरीर में कहीं पे स्वेलिंग है, उन्होंने भी इसे खाना अवॉइड करना है। कुछ लोग खाना खाने के बाद पान में बहुत सारा गुलकंद डाल के उसे सेवन करते हैं, तो इसके बारे में आयुर्वेद क्या कहता है? अब देखिए, आयुर्वेद के अनुसार खाना खाने के बाद हमने कसैले स्वाद का सेवन करना है ताकि जो खाना है वो और अच्छे से पचे, शरीर में जो कफ उस समय पे बढ़ता है तो वो कम हो, इसीलिए कसैला स्वाद उस समय पे लेने के लिए बताया जाता है। अब अगर आप पान में इस तरह की मीठी चीजें डाल के लेते हैं तो उल्टा हम इस कफ को बढ़ा रहे हैं, तो हमारा जो पर्पस था वो सॉल्व ही नहीं हुआ। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने गुलकंद के बारे में पूरी जानकारी ली है, इसके सबसे बड़े 10 फायदे कौन से है वो भी हमने देखा है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।